आज बनाएंगे टूटी फूटी घर पर बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, जिसे आप मैंगो शेक के ऊपर डालकर एंजॉय कर सकते हैं या आइसक्रीम के ऊपर डालकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो तरबूज के छिलके जो तरबूज खाकर फेंक देते हैं छिलके को, तो आज उसी छिलके से बनाएंगे टूटी फूटी बहुत आसान तरीके से। मैं आप लिए हैं तरबूज के छिलके, दिख रहा होगा। तो इसको हम सबसे पहले छील लेते हैं, पीछे वाले जो ग्रीन वाले भाग होते हैं हार्ड होते हैं, तो इसको चाकू की मदद से इस तरह से छील लेंगे अच्छे से तरह से। और जो लाल लगी रहती है तरबूज वाले भाग, उसको हम काट कर अलग कर देंगे। इसमें जो तरबूज के गुदे जो रहते हैं जो खाते हैं वो हटा देंगे काट कर इस तरह से, और पूरे चाकू छील लेंगे, इसके छिलके उतार लेंगे तरबूज के पूरा। चलिए तरबूज के छिलके को पूरा छिल लिए है, और जो लाल लाल दिख रहा है हल्का हल्का सा, उसको हम चाकू से काट कर इस तरह से हटा देंगे, और इसे अब छोटे छोटे पीस में काट लेंगे इस तरह से चाकू से, एक इंच पर इस तरह से दिख रहा है। जैसे लौकी की सब्जी वगैरह काटते हैं छोटे छोटे पीस में, सेम उसी तरह से टूटी फ्रूटी के साइज का चाकू से काट लेंगे। ज़्यादा छोटा छोटा भी नहीं काटिएगा या ज़्यादा बड़ा बड़ा भी साइज का भी नहीं काटिएगा, क्योंकि ये जब ये पकती है सूखती है हल्का सा तो ये और छोटे हो जाते हैं। तो सेम इसी साइज का काटिएगा। तो ये देखिए इस तरह से काट लिया मैंने, पूरा तैयार कर लिया है छिलके को काट कर। और अब इसे हम गैस पे रखे हैं पानी उबलने के लिए। जब पानी में उबाल आ जाए तो ये कटा हुआ टूटी फ्रूटी डाल देंगे इसे उबलने के लिए। उसे डाल ले रहे हैं और इसे 3 से 4 मिनट तक उबलने देंगे। जब पानी में उबाल आ जाए तो 3 से 4 मिनट तक उबाल लीजिएगा, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करिएगा, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। और जो ऊपर है वो झाग दिख रही है उसे हम स्पून से हटा देंगे इस तरह से। और ये देखिए बिल्कुल पानी में उबाल आ गया है, और ये जो तरबूज के छिलके हैं काटे हैं वो बहुत सॉफ्ट हो गई है, और इसकी कलर भी देखिए चेंज हो गई है, और ये पूरी तरह से पकी नहीं है बस सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसे हम छान लेते हैं पानी को इस तरह से छन्नी में, एक्स्ट्रा पानी होगा सब निकल जाएगा, इसी तरह से इसको छोड़ देते हैं क्योंकि पानी सब निकल जाए। और सेम बर्तन को हम इसे गैस पे रखेंगे चाशनी बनाने के लिए। यहाँ पे बर्तन रखा है और 1/3 कप चीनी लिया है, ज़्यादा चीनी नहीं लिए है, 1/3 कप है, पूरा कप भरा हुआ नहीं है। और सेम उसी कप से पानी लेंगे, थोड़ा सा खाली है 1/3 कप, और इससे हम चीनी को उबलने देंगे। तो देखिए चीनी में उबाल आ गया है, अच्छे से चीनी मेल्ट हो गई है, हल्का सा चीनी पानी चिपचिपा सा हो गया है। तो अब इसमें डाल देंगे पका हुआ टूटी फूटी जो पका कर रखे हैं उबाल कर, उसे हम डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ऊपर नीचे मिला लेते हैं चीनी पानी में, और इसे उबलने देते हैं इसी तरह से। तो ज़्यादा चाशनी नहीं बनाया है, आपको लग रहा होगा कि चाशनी कम है। जैसे ये उबलने लगेगी तो चीनी पानी और पतला हो जाएगा और इसमें जो पानी है रिलीज होगा, तो इसमें पानी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा इसे चाशनी नहीं बनाया है, तो ज़्यादा बनाने से चाशनी वेस्ट हो जाती है। और इसे उबलने देंगे 5 से 6 मिनट तक, इसी तरह से चीनी पानी में उबलने देंगे जब तक कि तरबूज के जो छिलके हैं पीस पीस में वो अच्छी तरह से पक जाए, तब तक इसे कुक करना है और अच्छे से मीठा हो जाए टूटी फ्रूटी। और देखिए जैसे जैसे पक रहे हैं इसकी कलर भी चेंज हो गई है और थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई है। इसे तोड़ कर दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट हो गई है, इस तरह से तोड़ रहे हैं तो टूट जा रही है। तो अब इसे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, तो अब इसे हम गैस बंद कर देते हैं। इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसी तरह से चीनी पानी में, ताकि अच्छे से मीठापन हो जाए। 10 मिनट इसी तरह से रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, और 10 मिनट बाद आप अपने पसंद से इसमें कलर ऐड करेंगे। तो देखिए 10 मिनट बाद इस तरह से हो गया है कुल। अगर आपको एक कलर का बनाना है तो आप इस चाशनी में ही कलर ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3-4 कलर में बना रहे हैं टूटी फ्रूटी, तो छोटे छोटे कटोरी में इस तरह से डाल देंगे, चाशनी के साथ ही डालेंगे
थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा चाशनी नहीं निकाला है, हल्का थोड़ा थोड़ा, और जो चाशनी बच गई है तो आप इसकी शरबत सिकंची बनाकर पी सकते हैं। और अब यहाँ पे कलर लिया है, यहाँ लिक्विड वाले कलर हैं और ये सूखे वाले भी कलर हैं, दोनों कलर को बनाकर दिखाएंगे आपको। सबसे पहले रेड कलर डालते हैं, तो 3-4 ड्रॉप रेड कलर डाल दिया है, इसे मिला लेते हैं अच्छे से कलर, और इसको इसी तरह से छोड़ देंगे 3-4 घंटे, या जैसे शाम को बना रहे हैं तो आप पूरी रात छोड़ दें इसी तरह से, या फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि कलर और चीनी पानी अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे येलो कलर डाल दिया मैंने एक में, और दूसरे में ग्रीन कलर डाल दिया है, और ये जो ड्राई वाले येलो कलर है उसे भी डाल कर दिखाते हैं। इस तरह से हल्का सा एक पिंच डाल दिया है और इसे मिक्स करेंगे, तो सारे कलर अच्छे से मिला लेते हैं स्पून से। अगर आपके पास और भी कलर हैं तो और भी डाल सकते हैं, बना सकते हैं अलग कलर में। यहाँ पे तो सेम दोनों कलर एक ही जैसा है, हो गया येलो येलो, और यहाँ पे एक ग्रीन कलर है, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और अब एक बॉल बच गई है, उसमें ऑरेंज कलर की टूटी फूटी बनाएंगे, तो यहाँ पे ऑरेंज कलर ऐड करेंगे, पिंच डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं कलर डालिएगा, बस 2 पिंच या 2 चुटकी कलर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अलग सी कलर हो गई है ऑरेंज कलर में, यहाँ पे 4 कलर की हो गई है। तो अब इसे हम थाली में एक साथ निकाल कर इसे ढक देते हैं, या आप इसे थाली से, जाली वाले थाली या दुपट्टे से ढक कर इसे रख दीजिए, या फ्रिज में रख दीजिए 5-6 घंटे के लिए, अच्छे से कलर सेट हो जाएगा और मीठापन भी आ जाएगा। 5-6 घंटे बाद रखने के बाद इसे छन्नी से छान लेंगे, इस तरह से जितना भी एक्स्ट्रा इसमें जूस होगा सिरका वो निकल जाएगा, ज़्यादा क्योंकि इसमें सिरका है नहीं, तो दोनों को सेम कलर थी तो एक में इसे मिक्स कर लेते हैं, और जितना भी इसमें जूस होगा पूरा निकल गया है। और इसे हम प्लेट में निकाल कर इसे पंखे में 1 दिन फैला लेंगे, या हल्की सी धूप में भी फैला सकते हैं, या पंखे के नीचे रख देंगे तो अच्छे से सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। ज़्यादा इसे ड्राई नहीं करना है, और सेम इसी तरह से सारे टूटी फ्रूटी को छान लेते हैं, इसे थाली में अलग अलग इस तरह से रख लेते हैं, और इसे पंखे के नीचे हम 2 दिन तक इसे हवा से सूखने देंगे, हल्का सा ड्राई करेंगे। तो ये देखिए 2 दिन बाद इस तरह से हो गया है, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि घर में बनाया है, बिल्कुल मार्केट जैसा दिख रहा है। खाने में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं लगा, वहाँ पर ज़्यादा सुखाना नहीं है, तो ज़्यादा सुखाएंगे तो हार्ड हो जाएगा। और आप इसे फ्रिज में एयरटाइट डब्बे में रख दें, आप इसे 6 महीने तक रख सकते हैं, और किसी भी डेजर्ट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत यम्मी और टेस्टी लगती है, केमिकल फ्री है, न कोई एसेंस डाला है और न ही कुछ खर्चे हुए हैं, बिल्कुल आसान तरीके।